Yes, students, in this chapter, first of all, some of the terms, you should know the definitions. Absolutist, what is the meaning of absolute government? क्या होती है? आप कहते हो perfect, लेकिन नहीं, हम कहते हैं ये चीज absolute है, मतलब 100% correct है, लेकिन पुराने time period में जब हम monarchy system की बात करते हैं तो ये वो सिस्टम था. लिटरली गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स, जिसके ऊपर कोई चेक ना हो. एब्सोल्यूट मतलब मोनार्की, हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट मोनार्की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की? ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल, कोई भी चेक नहीं है. इसका मतलब क्या है? मोनार्की इज नॉट आंसरेबल टू पीपल. एब्सोल्यूट ये मतलब है इसका. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट इज अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर. पुराने टाइम पीरियड में मोनार्की को एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कहते थे, क्योंकि मोनार्की जो गवर्नमेंट होती थी सेंट्रलाइज होती थी. सेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंटर, सारी पावर जो है वो किसके हाथ में होती थी? किसके हाथ में होती थी? किंग के हाथ में. इसीलिए एब्सोल्यूट मोनार्की जो है इसको सेंट्रलाइज मोनार्की या एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं. एब्सोल्यूट. सेकेंड है यूटोपियन. नेक्स्ट इज यूटोपियन. यूटोपियन का मतलब है बच्चे द विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग. यानी कि यूटोपियन का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे फ्रेडरिक सॉरेन ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. उसमें अपना क्या दिया? यूटोपियन विजन. यानी कि उसने वो विजन दिया जिसमें सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर क्या कर रही हैं? मार्च पास. पर क्या रियल में ऐसा हुआ था? नो. ऐसे विजन को, जो विजन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपियन विजन. ठीक है. थर्ड इज सफरेज. सफरेज का मतलब क्या होता है बच्चे? राइट टू वोट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज? सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट. कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिव कौन होते हैं? ट्रेडिशनल, जो किसको सपोर्ट करते थे? मोनार्की सिस्टम. सो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट गेव स्ट्रेस ऑन ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स. एक ऐसी सोसाइटी जो ट्रेडिशंस और ओल्ड कस्टम्स के ऊपर स्ट्रेस देती है, जो मोनार्की सिस्टम में बिलीव करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स. बच्चे आपने कंजर्वेटिव्स कौन से चैप्टर में पढ़े हैं? कौन से पार्ट में पढ़े हैं आपने कंजर्वेटिव्स? कौन सी कंट्रीज? आपको याद है ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में कौन सी फोर कंट्री जो थी वो कंजर्वेटिज्म को वापस लेकर आई थी? वेरी गुड. प्रशिया, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया. तो ये क्या थे? कंजर्वेटिव्स. ये कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस लेकर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट कौन होते हैं? नाम से पता लगता है जो फीमेल राइट्स को सपोर्ट करते हैं. पर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल ही हो सकती हैं. मेल जो हैं वो भी फीमेल को सपोर्ट करते हैं. तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें विमेन के राइट के आगे के लिए लोगों ने फाइट किया. ये कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन इज फेमिनिस्ट का मतलब होता है द पीपल, मेन और वुमेन, हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ विमेन एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स. एथनिक. एथनिक का मतलब क्या होता है?
जैसे आपने पावर उसमें पढ़ा है, पावर शेयरिंग में पढ़ा है, या बेल्जियम में पढ़ा, श्रीलंका में पढ़ा, कि एथनिक का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे डच हैं, चाहे श्रीलंका से थे, चाहे तमिल थे। तो एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब है रिलेट्स टू कॉमन रेशियल कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि एक ऐसी कंट्री। अगर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया की एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत डाइवर्स है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, एथनिक का मतलब है रिलेट्स टू कॉमन रेशियल कल्चरल बैकग्राउंड या ट्रेडिशंस। एथनिक वर्ड एथनिक का मतलब क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे इंडिया की एथनिक कॉम्पोजिशन जो है इट इज कॉम्प्लेक्स। सेम बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन भी कॉम्प्लेक्स थी। नेक्स्ट इज एलिगरी। एलिगरी का क्या मतलब होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन। बहुत इजी है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगरी? जब किसी आइडिया को हम पर्सन की फॉर्म, जैसे आपके सामने देखो आर्ट है, ठीक है, तो आपके माइंड में गॉड की इमेज को आपने आर्ट की फॉर्म में डिपिक्ट किया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री को एक फिगर, विमेन फिगर जो है भारत माता, हम कहते हैं हमारी कंट्री इंडिया है। भारत माता की इमेज क्या होगी? एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है जब आपके मन में कोई आइडिया है, आप उसको पर्सन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे फ्रांस की एलिगरी क्या है? मैरियन। जर्मनी की एलिगरी? जर्मेनिया। ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स आपके साथ जो डिस्कस किया, अगेन अब एब्सोल्यूटिस्ट, नेक्स्ट इज यूटोपियन, नेक्स्ट इज सफ्रेज, देन कंजर्वेटिज्म, फेमिनिस्ट, एथनिक एंड एलिगरी। इसकी एलिगरी का मतलब होता है व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन। फॉर एग्जांपल, इमेज ऑफ भारत माता किसकी है? ये इमेज किसकी एलिगरी है? इंडिया की। जर्मेनिया इज द एलिगरी ऑफ जर्मन। मैरियन इज द एलिगरी ऑफ फ्रांस। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट, डायरेक्ट वोट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? बच्चे आपकी बुक्स की सारे शॉर्ट टर्म्स हैं जो साइट पे दी हुई बॉक्सेस में। प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट, इन विच पीपल दे आर आस्क्ड यस और नो। यानी कि प्लेबिसाइट एक ऐसा वोट है जिसमें कि लोगों से पूछा जाता है कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो और रिजेक्ट। आप खुद सोचो जिस कंट्री में लोगों को प्लेबिसाइट दिया जाएगा, वहां पे क्या है, लोगों को क्या दिए गए? राइट्स। क्लियर? और ऐसी कंट्री ही नेशन स्टेट बन सकती है। आगे आ जाओ, सम इंपॉर्टेंट डेट्स। 1789 से करते आ रहे हो ये ईयर। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजंस। सॉवरेनिटी जो है या पावर जो है वो किसके किससे ली गई? मोनार्की से। और किसको दी गई? सिटीजंस। पहले क्या था? लुईस 16, फिर सिटीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वोटिंग के लिए? एक्टिव एंड क्या दे दिया गया उनको? राइट टू वोट। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजंस। नेक्स्ट आ जाओ 1804 कौन सा कोड? दिस ईयर इज फेमस फॉर विच कोड? नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे 1804 में क्या बन गए? मिलिट्री डिक्टेटर। एंड देन ही चेंज सम यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, और उसके इसी चेंजेस को क्या कहा जाता है?
नेपोलियन सिविल कोड कौन से ईयर में? 1804। नेक्स्ट आ जाओ 1815 बैटल ऑफ वॉटरलू। हु वॉज डिफीटेड बाय हुम? किनसे? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया। हार जाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को कहां भेज दिया? सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया। और इन विनर कंट्रीज ने क्या किया? कौन सी सिटी में कांग्रेस जो है वो बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं? वियना कांग्रेस, सिटी ऑफ वियना। इस सिटी के अंडर जो है इन चार कंजर्वेटिव कंट्रीज ने क्या किया? फ्रांस की टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया। मिलिट्री डीमिलिट्राइज का मतलब है कि मिलिट्री जो है स्ट्रेंथ कम कर दी, और फ्रांस के अलग अलग एरियाज में कुछ बाउंड्रीज नेबरिंग कंट्रीज जो है उनको इम्पोज कर दिए। नीदरलैंड को पार्ट दे दिया गया फ्रांस का, बेल्जियम एरिया, बाद में आपने याद है ना इसमें हमने रिवोल्ट पढ़ा। एंड कौन सी डायनेस्टी को वापस ले आए? बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी किसकी थी? लुइस 16। ठीक है, नेक्स्ट 1821, वेरी गुड, स्ट्रगल फॉर 1821, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द ग्रीस, यानी कि ग्रीस के जो लोग थे दे वर कंट्रोल्ड बाय टर्क्स, ऑटोमन एम्पायर। एंड 1821 से उन लोगों ने जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। तो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस इन विच ईयर? 1821। फाइनली जाकर कब उनको इंडिपेंडेंट मिली? 1832। किस ट्रीटी के अंडर? ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। बहुत बड़ा नेम है, इसको शॉर्ट करके याद करो, कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल, पहले कॉन्स्टेंट वर्ड याद रखो, इनो एंड पोल। तो क्या है बच्चे ये याद करो, ईयर, पहले ईयर, बच्चे पहले ईयर याद रखो, 1832। इस ईयर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या हुआ? ग्रीस कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किनसे इंडिपेंडेंट मिली? ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम टर्क से इनको फ्रीडम। देन नेक्स्ट इज 1848, तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसमें तो बहुत सी इवेंट्स। 1848 रेवोल्यूशंस इन यूरोप, कौन कौन से रेवोल्यूशंस? यस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई कहां पे? जर्मनी। दूसरा रिवोल्ट हुआ फ्रांस में, रिवोल्ट ऑफ फ्रांस। दो मेन आपने इंपॉर्टेंट याद रखो इवेंट्स। देन 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हु बिकेम द किंग? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। देन 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द किंग। 1871 जर्मनी वॉज यूनिफाइड एंड हु बिकेम द किंग? काइजर विलियम वन। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है ना, हमने याद रखे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सिविल कोड, फीचर्स ऑफ सिविल कोड। नंबर वन, एबॉलिश प्रिविलेजेस। मीन्स आपको पता कैसे आ सकता है, आपको एमसीक्यू बेस में आ सकता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ सिविल कोड? तो पहले आप फीचर्स लर्न करो। नंबर वन, एबॉलिश प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ, एबॉलिश प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ।
नंबर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ. थर्ड राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन. नेक्स्ट फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश, फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश. देन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. देन इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम, ये मेन फीचर, इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम इन काउंटिंग कॉमन करेंसी भी आ सकती, कॉमन करेंसी ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस कॉमन करेंसी. तो ये हो गए इसके फीचर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ पैट्री, फादरलैंड और मदरलैंड, फादरलैंड. ठीक है, वर्ड्स को ना ऐसे लर्न करो. मीनिंग ऑफ लॉ पैट्री फादरलैंड, मीनिंग ऑफ ली सिटोयन सिटीजन, मीनिंग ऑफ ली सिटोयन सिटीजन. विच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस, ट्राइकलर, ट्राइकलर फ्लैग, ट्राइकलर फ्लैग. विच क्लब बिकेम पॉपुलर इन फ्रांस ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, कौन सा क्लब बहुत फेमस हुआ था, जैकोबिन, यस. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बिलोंग टू विच क्लब, जैकोबिन. ओके, यस. नेक्स्ट इज जॉल वेरिन, जॉल वेरिन से रिलेटेड क्वेश्चन. इन विच ईयर दिस जॉल वेरिन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म, 1834. जॉल वेरिन वॉज फॉर्म्ड इन 1834. कितनी करेंसीज को रिड्यूस किया, पहले कितनी करेंसीज थी, कितनी रह गई, 230. और इसका इनिशिएटिव किसने लिया, प्रशिया. Who took initiative to form Jol Varin? Prussia. ठीक है, ओके. हाँ जी, स्टेटमेंट ठीक है. When France sneezes, rest of the Europe catches cold. Duke Metternich. Duke Metternich conservative था, Austrian chancellor था. ठीक है, हाँ. He also hosted Treaty of Vienna. He also hosted Treaty of Vienna. Who regarded Mazzini as most social dangerous enemy? किसने Mazzini को dangerous enemy कहा था? Duke Metternich. Duke Metternich ने, क्योंकि वो Duke Metternich conservative था, Mazzini revolutionary. तो इसलिए उसने कहा था कि Mazzini is regarded as the most dangerous एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर. ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. लिबर का मतलब क्या होता है, फ्री. इसका मतलब है व्हेन पीपल डिमांडेड फ्रीडम, जब लोग फ्रीडम की डिमांड करते हैं. तो लोगों ने उस टाइम पीरियड में यूरोप में तीन तरह की फ्रीडम की डिमांड की थी, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म. पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट टू ऑल. सोशल का मतलब होता है इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड रिच एंड पुअर. इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ. न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, ट्रिटी ऑफ वियना का रिजल्ट क्या था, ये कुछ कंट्रीज के नेम नोट करो आप. ट्रिटी ऑफ वियना, रिजल्ट ऑफ ट्रिटी ऑफ वियना, 1815 के बाद, नेपोलियन के हार जाने के बाद, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक कांग्रेस मीटिंग बुलाई, जिसको होस्ट किसने किया, ड्यूक मेटर्निक ने. एंड व्हाट वाज द मेन मोटिव, क्या था मोटिव, इस ट्रिटी का मेन मोटिव क्या था, टू ब्रिंग कंजर्वेटिव ऑर्डर बैक.
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, विच डायनेस्टी वॉज इम्पोज, बर्बन डायनेस्टी। लुईस 16 पहले थे ना, लुईस 18, हाँ लुईस 18 ही बिकेम द किंग। देन प्रशिया वॉज गिवन सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्रांस, प्रशिया वॉज गिवन सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्रांस। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया वॉज गिवन नॉर्दर्न इटली। देन बेल्जियम वॉज गिवन टू नीदरलैंड, बेल्जियम वॉज गिवन टू नीदरलैंड। तो ये कुछ चेंजेस आपने बताने हैं कि कुछ चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट इज अबाउट मेज़िनी, रेवोल्यूशनरी जोसेफ मेज़िनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उन्होंने, यंग यूरोप एंड यंग बर्न। यस, इसको नोट करो, सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली, देन यंग यूरोप इन बर्न। सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप इन बर्न, बर्न प्लेस का नेम है। लेकिन इनको क्या कर दिया, क्या किया इनको रेवोल्यूशन करने के लिए, इनको क्या दिया, एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, कंट्री से निकाल देना। सो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग होल ऑफ द इटली कंबाइन। लेकिन फिर भी जैसे हम अपनी कंट्री में शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, ऐसे ही इटली में लोग इसको याद करते हैं, मेज़िनी के कंट्रोल जो है उनका कंट्रीब्यूशन। ईयर एज नहीं, ईयर याद रखो 1831, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रोमांटिसिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, अ मूवमेंट इन विच प्लेज सॉन्ग्स पोएम्स वर रिटन टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म अमंग द पीपल। और इसके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट नेम याद रखने आपने, नंबर वन गॉटफ्राइड हर्डर। गॉटफ्राइड हर्डर ने क्या कहा था कि अगर आपने रियल में लोगों को देखना है तो कॉमन लोगों को देखो। दास वॉक जर्मन, वो जर्मन थे तो जर्मन में दास वॉक को क्या कहते हैं, कॉमन पीपल। इसलिए इन्होंने कॉमन पीपल के बारे में बहुत सी पॉइंट्स लिखी। देन सेकंड डेलाक्रॉस, डेलाक्रॉस ने बच्चे क्या बनाई थी, पेंटिंग, किसके बारे में, ग्रीस के बारे में, और कौन उन पे अटैक कर रहे थे, टर्क्स। तो इस पेंटिंग को देख के उस टाइम का पता लगता है कि कैसे लोगों के ऊपर अटैक किया गया था। थर्ड कैरोल कुरपिंस्की, जिन्होंने फोक म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों को यूनाइट करना है ना तो फोक म्यूजिक इज द बेस्ट वे। जैसे हम कहते हैं ना कि पंजाब में अगर ढोल बजता है तो सभी पंजाबी नाचने लग जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक। देन लैंग्वेज, बस बच्चे लैंग्वेज, बच्चे जब रशिया, रशिया को पोलैंड का एरिया दिया गया ना जो फ्रांस के अंडर था, तो रशियन लोगों ने क्या किया, लोगों को लैंग्वेज बोलने से मना कर दी, उनकी पॉलिश लैंग्वेज बोलने से मना कर दी। लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, और जब ये लोग चर्च में प्रेयर करते थे ना तो वो अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करते थे। देन मैनी पीपल वर अटैक, क्यों अटैक किया गया, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में प्रेयर नहीं करते। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि कल्चर, लैंग्वेज, पोएट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है यूरोप में अलग अलग रेवोल्यूशन लाने में, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड द मीटिंग ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, टोटल नंबर इज 831। ऑन विच डेट, 18 मई 1848। चर्च का नाम क्या था, बिल्डिंग का नाम क्या था जहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, सेंट पॉल चर्च। विमेन वर गिवन सिटिंग अरेंजमेंट और नॉट, नो विमेन को सिटिंग अरेंजमेंट नहीं दिया गया, दे वर स्टैंडिंग ऑन द गैलरीज। देन दिस फ्रैंकफर्ट वॉज, पार्लियामेंट वॉज रिजेक्टेड
बाय विच किंग? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और उसके बाद बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई किया विद द हेल्प ऑफ वॉर्स। कौन सी वॉर पॉलिसी उसने अपनाई? थ्री वॉर्स इन अ सेवन ईयर्स। कौन सी कंट्रीज के साथ वॉर लड़ी? एडीएफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और उन कंट्री से जर्मन स्पीकिंग एरियाज को लिबरेट करके एक कंबाइन कंट्री बनाई, जिस कंट्री का नाम क्या था? यूनाइटेड जर्मनी। एंड हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी? काइजर। काइजर याद रखना, पहले फ्रेडरिक थे, बाद में कौन बने? काइजर विलियम। ठीक है, अब हमने तीन कंट्रीज का कंबाइन जो है वो हम एक टेबल की फॉर्म में लर्न करते हैं। नंबर वन, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स अर्लियर? 39। ठीक है, इटली वॉज डिवाइडेड बिफोर यूनिफिकेशन? 7। इंग्लैंड मल्टी कल्चर का मतलब वेल्स भी थे, स्कॉटिश भी थे, आयरिश भी थे, तो वो एरियाज नहीं थे, वो कल्चर के अकॉर्डिंग थे। फिर से याद रखो, बिफोर यूनिफिकेशन जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू 39 पार्ट्स, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स, एंड इंग्लैंड मल्टी कल्चर। टाइम पीरियड की बात करें तो नियर विच टाइम पीरियड रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया? जर्मनी 1850, इटली जो है वो 1830, एंड इंग्लैंड में 1680। 1680 का मतलब है जब पार्लियामेंट कैप्चर कर रही थी तभी वहां पे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज लीडर, जर्मनी की लीडरशिप जो है जर्मनी को यूनिफाइड करने में कौन से किंग का इंपॉर्टेंट रोल है? प्रशिया। इटली में सार्डिनिया, पीडमोंट, और इंग्लैंड में इंग्लैंड के जो किंग। देन चीफ आर्किटेक्ट, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे नेम बताओ यूनिफिकेशन के लिए, तो जर्मनी के लिए एक इंपॉर्टेंट नेम आर्किटेक्ट कौन है? बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। इटली के लिए मैजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी, एंड किंग कौन? इटली के किंग कौन? विक्टर इमैनुअल सेकंड। इंग्लैंड में किसी पर्सन का नेम नहीं हमने किया, वहां पे क्या है? इंग्लिश पार्लियामेंट। देन ईयर, अगर ईयर की बात करें जर्मनी कौन से ईयर में हुआ? 1871। इटली कौन से ईयर में हुआ? 1861। और इंग्लैंड 1801। कौन सा एक्ट? एक्ट ऑफ दो एक्ट हुए थे, एक एक्ट में है आयरलैंड और दूसरे एक्ट में है स्कॉटलैंड। फाइनली 1801 में कंप्लीट हुआ था यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज को कॉर्पोरेट किया ना, कौन कौन सी कंट्रीज? पहले किसको किया? आयरलैंड, फिर किसको किया? स्कॉटलैंड। ठीक है, ईयर याद रखो सभी यूनिफिकेशन। नेक्स्ट इज वॉर, वॉर की बात करें तो जर्मनी में कितनी वॉर हुई? 3 वॉर्स। और किस किस के साथ हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इटली, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, इटली की वॉर हुई ऑस्ट्रिया एंड स्पेन के साथ। एंड इंग्लैंड में कोई वॉर नहीं हुई, इसलिए इंग्लैंड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज केस। ठीक है, देन हेड कौन है कंट्री के? हेड कौन बने? जर्मनी के बने काइजर विलियम, इटली के बने विक्टर इमैनुअल, और इंग्लैंड के जो किंग थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स। हाँ जी, अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम करते हैं चैप्टर के। मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ बेटा, लास्ट पार्ट। विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज पायोनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम? इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। सबसे पहले फ्रांस, सबसे पहले रेवोल्यूशन कहां पे आया, लोगों ने डिमांड जो है वो की, वो बतानी है आपको। अगेन आई एम रिपीटिंग, विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज पायोनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? कौन सी कंट्री में सबसे पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम आया था? फ्रांस में। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूनिफाइड इकोनॉमी और एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस?
यूनिफाइड इकोनॉमी. अगेन आई एम रिपीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑटोक्रेसी भी एंड हो गई, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी, मैक्सिमम रॉबेस्पियर बने, एंड ऑफ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म कर दिया, लेकिन इकोनॉमी को यूनिफाइड नहीं किया था. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड फॉर लिबरलिज्म? इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, एंड लास्ट इज सिटीजन शुड नॉट हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. लास्ट, हाँ, सिटीजन शुड नॉट हैव राइट टू प्राइवेट, ये रॉन्ग है, ये आपने इसको ऑड वन आउट है इसका. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉल बैरन, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम और यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इकोनॉमिक फ्रीडम, जॉल बैरन का मतलब था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्सचेंज. इन 1845 वीवर्स ऑफ डैश लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, सिलेशिया, सिलेशिया. ठीक है, अ डायरेक्ट वोट विच इन विच पीपल दे आर एक्सेप्ट, दे आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट. टाइम इज ओवर बेटा, आई एम गोइंग टू एंड.